तिरंगी शिमला मिर्च है, इसको एक एक शिमला मिर्च मैंने ली है इस सब्जी में, एक एक डाली है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेते हैं, जहां तक हो सके चौकोर टुकड़े में काटे। ये पनीर है, इसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है टुकड़ों को। थोड़ा इसमें पीस बड़े बड़े डालते हैं, छोटे पीस नहीं डालते पनीर के। पोस्ता दाना है और ये काजू है, पोस्ता कहते हैं हम लोग इसको। इसको सब्जी बनाने के 2 घंटे पहले हल्के गर्म पानी में हम इसको भिगा के रखेंगे। इसको सारी रात भी भिगा सकते हैं, लेकिन सब्जी में डालने के लिए 2 घंटा काफी है। और ये काजू है, इसको ऐसे ही पीसते हैं, बाद में थोड़ा सा पानी डाल के चला देते हैं मिक्सी में काजू। और ये मैंने थोड़ा सा पनीर को रेत के रखा हुआ है, ऊपर से सजावट करने के लिए। हम पनीर को चारों तरफ से हल्का गुलाबी करूंगी, उसके लिए ये रिफाइंड ऑयल है वो मैं डाल लेंगी, उसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। और ये पनीर के पीस है, इसको हम चारों तरफ से गुलाबी करेंगे, पलटते जाएंगे, धीमी आंच में इसको करेंगे। देखिए ये सर्विंग स्पून है, ये एक डाल लेंगे। पोस्ता दाना मैं नाप के साथ है, ये 2 चम्मच मैंने लिया था, बड़ा वाला 2 चम्मच, उसको भिगाया था और पीस के इतना हुआ। इस सब्जी में प्याज और लहसुन नहीं डाल रही हूँ, केवल यही इसी से ग्रेवी बनेगी। पोस्ता दाना डालने से पहले मैं 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े डालूंगी, बड़ी इलायची छील के डालूंगी। और इसमें अब मैं पेस्ट डाल दूंगी ये पोस्ता दाने का। ये पोस्ता दाना है, इसके भुनने की ये पहचान है कि जब ये कढ़ाई की तली अपने आप छोड़ने लगे तब आप सोचिए कि ये भुन चुका है। जब तक ये कच्चा रहेगा ये चिपकता रहेगा तली में। बस अभी 5-6 मिनट तो लगेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ काजू, 18 पीस है ये काजू के। अब मैं देखिए इसमें मसाले डालती हूँ, ये हल्दी है मैं हल्दी डाल रही हूँ, पिसी धनिया 2 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें डालूंगी दही, ऐसे ही डालूंगी अभी इसमें मैं चलती हूँ, 2 बड़ी चम्मच डालती हूँ। ये अब मैं तिरंगी जो शिमला मिर्च कटी रखी है वो डाल रही हूँ। अब जाएगी करीब 10 मिनट में, 1/2 गिलास पानी इसमें डालूंगी केवल, 1/2 गिलास समझिए बस। मेरे हाथ में कसूरी मेथी है, थोड़ा सा इसको डालूंगी, इतना थोड़ा। और ये गरम मसाला है, इसको भी बहुत थोड़ा सा डालूंगी। पनीर डालूंगी इसमें लास्ट में। पनीर डालने के बाद सब्जी को ज्यादा चलाते नहीं हूँ। देखिए ये तीनों रंग की शिमला मिर्च है, इसको मैंने खूब बारीक कोट। अच्छा। और ये सूजी है, ठीक है। अच्छा। जितनी सूजी हम लेंगे उतने ही ओट्स लेंगे बराबर मात्रा में। चूरा और ये 3 तरह की शिमला मिर्च, हाँ। ये इस तरह से एक साथ मिक्स करके कटी हुई हरी धनिया और हरी मिर्च है इसमें वो डाल देंगे। इसमें देखिए थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, 1 पिंच गरम मसाला ये डाल दिया। अच्छा। इसको मिक्स करती हूँ। देखिए वो जो मिक्सचर मैंने अभी आपको दिखाया था डोंगे में, उसकी मैंने ये टिकिया बनाई। हरी धनिया की चटनी के साथ या सॉस के साथ, दोनों के साथ अच्छी लगती है। ये तरह ही आपकी टिक्की दिख रही है, इस पे आप चाट मसाला भी भुरख सकते हो। ये दोनों साइड से ऐसी चिकी हुई है हल्की गुलाबी। अब मैं सब्जी बताती हूँ, बस 2 मिनट में मैं इसको डोंगे में डाल दूंगी, तेज आंच पे एक बार पका लूं 2 मिनट, फिर बस। इसकी ग्रेवी देखिए इतनी गाढ़ी है जैसे होटल में मिलती है गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी। अब ये पनीर हमने रखा था ग्रेट करके थोड़ा सा, उससे इसके ऊपर छिड़केंगे। अब ये कटी हुई हरी धनिया है, इससे भी डेकोरेट करेंगे। अब देखिए ये रेड कलर की जो शिमला मिर्च है, इसको हमने इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है, इससे हम ऊपर से सजाएंगे इसको। देखिए मैं पनीर की जगह आलू डालना पसंद करूंगी।
वो ये गलती कर सकते हैं कि ये शिमला मिर्च है, इसको ज्यादा कुक कर दे, देर तक पका दे। इसको ज्यादा देर तक नहीं पकाते हैं, बहुत सिम आंच पे केवल 6-7 मिनट ही इसको पकाना है। एक तो काजू और पोस्ता दाना पड़ा हुआ और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, वो इसके टेस्ट को बढ़ा देता है।